हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस मिनी ब्लॉग में। तो आज मुझे पोल्ट्री का काम करना है। यहाँ पर हमें पोल्ट्री साफ करनी है आज, और यहाँ पर मैं सभी चीजें एक जगह पे अच्छे से रख देता हूँ, क्योंकि हमें साफ करने के लिए ये चीजें तकलीफ दे सकती है। थोड़ी देर बाद शिवानी बुला लिया आलू डालने के लिए उसके खेत में, तो वहाँ पर मैं चला गया। फिर घर आने के बाद मम्मी भी आ जाती पोल्ट्री में और हम साफ सफाई करने के शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से शिवा का काम आ जाता है, उसका मोटर का पाइप निकल जाता है, तो वो फिट करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आरोही कुछ खेल रही थी, तो यहाँ पर मैं देखने लगा वो क्या खेल रही, पर उसके बाद मैंने इसे तोड़ दिया। पाइप फिट करने के बाद हम लोग गए स्प्रिंकलर पाइप लाने ट्रैक्टर में, और फिर ट्रैक्टर को लगा दिया पोल्ट्री के सामने। दूसरे दिन सुबह दत्ता घर आ जाता है, उसे ले जाना होता है हमारे घर से जार, और फिर हम लोग जाते हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए, पर एटीएम ही फुसकाबार होता है, उसमें पैसे ही नहीं होते। अब देखो ये लड़का जहां भी रुक जाता है ना, टाइम पास ही करता रहता है और मुझे सताएगा। घर आने के बाद मुझे ये ट्रॉली से सारा खत निकालना होता है, तो वो मैं निकाल देता हूं धीरे धीरे। ऐसे काम करते हैं तो पसीना तो जरूर आता है। तो आज भी हमें पोल्ट्री साफ करना है, तो फैन की सहायता से जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैं मम्मी के आगे फैन रख देता हूं। और थोड़ी देर बाद पापा बोल देते हैं कि हमारे पोल्ट्री पे एक बड़ा सांप निकल आया है, तो वो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में कितना बड़ा सांप है। इतना बड़ा सांप मैंने पहली बार देखा, वो भी पोल्ट्री के ऊपर। काम के टाइम में खाना भी मुश्किल होता है, तो मैंने रोटी पे आम का अचार लगाकर खाने के लिए शुरू कर दिया। और हमारे गांव के साइड तो ऐसे बहुत बार किया जाता है। अब हमारा ऊपर वाला पोल्ट्री फार्म पूरा क्लीन हो चुका है, अब नीचे वाले पोल्ट्री में हम लोग आ चुके हैं। अब ये फार्म भी लगभग आज पूरा ही कर देंगे। देखो एक यूट्यूबर कैसे कैसे काम करता है, तो आप लोगों के लिए ये कॉन्टेंट में निकालता रहता हूं, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप करोगे या नहीं। तो अपना ट्रैक्टर भी फुल हो चुका है और अपना काम भी एंड हो चुका है, तो चलो ट्रैक्टर को भी खाली कर देते हैं अभी। अब खाली करते समय वीडियो नहीं निकल पाया, पर यहाँ पर अभी ट्रॉली को मैंने धो दिया है और ट्रैक्टर को भी धो दिया है, और फिर शिवा के घर जाके उसकी ट्रॉली वापस कर दी और फिर अपना ट्रैक्टर गोडाउन के पास लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।